देखिए, यहाँ पर हम सिर्फ टेंसों के बारे में बात करेंगे और टेंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एरर सॉल्व करते हैं तो टेंस हमारे काम आते हैं, कॉमन एरर सॉल्व करते हैं तो टेंस हमारे काम आते ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस को हम एज ए डिफाइन कर सकते हैं एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट द टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन, मतलब कि कोई भी एक्शन किस समय में लिया जा रहा है उसकी स्थिति के बारे में बताने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टाइम ऑफ एक्शन कैसी टेंस में बताएगा, प्रेजेंट टेंस में हम देखें ही गोज टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जाता है, प्रेजेंट टेंस है। ही वेंट टू स्कूल, मतलब वो स्कूल गया, पास्ट टेंस है। ही विल गो टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जाएगा, फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस में हमने क्या देखा कि तीन मेन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो कि हमें टाइम ऑफ एक्शन बता रहे हैं कि किस समय आपने एक्शन लिया था, प्रेजेंट टेंस में लिया था, वर्तमान में लिया था, भूतकाल में लिया था या भविष्य में आप लेने वाले हैं। दूसरा होता है हमारा स्टेट ऑफ एक्शन, मतलब कि एक्शन का स्टेट बताता है टेंस, ठीक है, यानी टेंस का क्या फंक्शन है वो यहाँ पर बताता है। जैसे कि आई राइट लेटर रेगुलरली, तो रेगुलरली बताता है कि प्रेजेंट टेंस है, हैबिचुअल फंक्शन है, मतलब वो कंटिन्यू करता है, रेगुलरली करता है, रेगुलरली बढ़ा जाए मतलब वहां पर प्रेजेंट टेंस होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पत्र लिख रहा हूँ, तो ये स्टेट बता रहा है टेंस की कि भाई वो लिख रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब प्रोग्रेसिव फंक्शन है, जो काम है वो चल रहा है, प्रोग्रेस में है। आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब कि प्रोसीडिंग फंक्शन, मतलब अभी अभी काम वो कंप्लीट किया है। आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर, और आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर सम टाइम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है, मतलब इसमें क्या हो गया, टाइम भी आ गया है, टाइम आ गया है, तो हमने इसको डाल दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब टाइम का एक्सप्रेशन भी आ गया है, कब से वो लिख रहा है। तो टेंस और उनके फंक्शन के आधार पर ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जो भी एरर होती है उसको आइडेंटिफाई कर जा पाते हैं। जैसे हमारे पास मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या शो करेगा, हैबिचुअल जो एक्शन रहेंगे उनको शो करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें हैबिट शो करना होता है, कोई कस्टम है, कोई प्रथा है को वो शो करना है, कोई प्रैक्टिस किया जा रहा है उसको शो करना है, कोई रिपीटेड एक्शन है तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। परमानेंट अगर एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। जनरल अगर ट्रूथ है, जैसे कि सूर्य पश्चिम में पूरब उगता है, तो ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। तो जैसे कि जो आइडियाज हैं, एडवर्ब के रूप में फ्रीक्वेंटली उनका उपयोग होता है, कौन कौन से आइडियाज हैं जिनका एडवर्ब के रूप में फ्रीक्वेंटली उपयोग होता है, ऑफन है, ऑफन आइडिया है, सेल्डम, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली हैं, ये सब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें, द ओल्ड लेडी गोज फॉर वॉक इन मॉर्निंग, तो देखिए यहाँ पर देखें ओल्ड लेडी मॉर्निंग में घूमने के लिए जा रही है, ठीक है। जैसे पल्स यूजुअली, तो यूजुअली आ गया, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया है, बिलीव्स एवरी बॉडी, ठीक है, तो यूजुअली वर्ड की वजह से आ गया है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, ऑफन, अर्नब ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच, मतलब अर्नब है, ज्यादातर है, क्या है, लंच के लिए लेट हो जाता है, तो ऑफन आ रहा है, तो यहाँ पर गेट्स आ गया है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे सुहानी ऑलवेज कम्स इन टाइम, तो ऑलवेज आ गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया।
जैसे सूर्या सेल्डम गेट्स अप लेट, तो सेल्डम आ गया मतलब कि प्रेजेंट टेंस आ गया, तो इस तरीके के वर्ड के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इस टेंस का और कहां पर यूज करते हैं प्रेजेंट इंफिनिटिव टेंस का इस्तेमाल, देखिए इस टेंस का इस्तेमाल हम ऐसी जगह पर भी करते हैं जहां पर स्टेटमेंट बनाया जाता है, प्रेजेंट शोइंग परमानेंट नेचर और एक्टिविटी, यानी परमानेंट एक्शन को बता रहा है, परमानेंट एक्टिविटी को बता रहा है, एटर्नल प्रिंसिपल को बता रहा है, वहां पर भी हम प्रेजेंट इंफिनिटिव टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, आई नो हिम वेल, मतलब मैं उसको जानता हूं, मतलब परमानेंट है, वो जानता है, कंफर्म है। ही टीचेज इन एस्ट जेवियर कॉलेज, मतलब फिक्स है ये, एस्ट जेवियर कॉलेज में पढ़ा रहा है, परमानेंट है। दी काउ गिव्स मिल्क, तो गाय दूध देती है, ट्रूथ है। रिवर फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, तो रिवर्स एट हाई एल्टीट्यूड, ये भी कंफर्म है, ट्रूथ है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंफिनिटिव का इस्तेमाल हो रहा है। अब एडिशनल यूज हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंफिनिटिव का कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कि मान लो कोई हिस्टोरिकल चीज है, वहां पर भी आप प्रेजेंट इंफिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे। हिस्टोरिकल चीज जैसे नाउ नेताजी एंटर्स एंड एड्रेस द इंडियन सोल्जर्स, तो अब नेताजी हैं, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंफिनिटिव का इस्तेमाल हो गया, और सोल्जर्स को एड्रेस करेंगे, तो हिस्टोरिकल प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखें, नाउ अर्जुन शूट्स एरो एट भीष्मा, तो हिस्टोरिकल प्रेजेंट है, तो इसमें भी हमने प्रेजेंट इंफिनिटिव का इस्तेमाल किया है। फ्यूचर का अगर कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर अराइव्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टूमारो, मतलब आएगा टूमारो, कल आएगा प्राइम मिनिस्टर, तो फ्यूचर का अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब अराइव्स आया, प्रेजेंट इंफिनिटिव। ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह वो अपनी जॉब छोड़ रहा है, तो फ्यूचर का अरेंजमेंट कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया है। अब इससे रिलेटेड हम क्या कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है और उसके सामने ही आपको वर्ब दे रखी है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि वर्ब भी दिखे, ठीक है, ये दिख रही है, अब वर्ब भी दिखी है आपको और आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है। अभी एक एक को हम समझते हैं, ठीक है, अभी एक एक को जब समझेंगे तो हमें इनका आंसर मालूम होना चाहिए। तो पहले थोड़ी देर वेट करते हैं हम और फिर सॉल्व करेंगे इसको। बॉयस देखिए, बसेज ऑन दिस रोड एवरी आवर, तो देखिए एवरी आवर, इस रोड पर बसेज एवरी आवर आ रहा है, तो प्रेजेंट इंफिनिटिव होगा, तो बसेज रन, प्लूरल है इसलिए रन ही आ जाएगा, तो रन चाहिए यहाँ पर, बसेज रन ऑन दिस रोड एवरी आवर्स, आवर्स हो गया। हिज सन टू स्कूल रेगुलरली, रेगुलरली आ रहा है मतलब गो जाएगा, हिज सन गोज, तो हिज सन गोज स्कूल रेगुलरली, लेकिन यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए गोज नहीं आएगा, तो क्या आएगा, डज पहले आ जाएगा, डज हिज सन गो टू स्कूल रेगुलरली, तो डज पहले आ जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए डज हिज सन गो टू स्कूल रेगुलरली। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ही एग करी, तो वो कई पका रही है, तो हम लाइक, तो लाइक्स तो आएगा, तो क्या आएगा, डज ही लाइक एग करी, डज ही लाइक एग करी, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो नॉट प्रैक्टिस आ रहा है, यहाँ पर नॉट प्रैक्टिस को कैसे यूज करेंगे, ही इन दी जिमनाज डेली, डेली के लिए आ रहा है, तो हम डेली के लिए क्या करेंगे, डू और डज होता है, तो यहाँ पर करेंगे ही डू नॉट,
तो डू नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि ही है, इसलिए आएगा डज नॉट। ही डज नॉट प्रैक्टिस इन जिमनाजम डेली, तो डज नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, ही डिनर एट 8 PM, 8 PM डिनर कर रहा है, मतलब कि नॉट हैव आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस नॉट हैव। तो ही के साथ में क्या आएगा, नॉट हैव डिनर एट 8 PM, तो डज के आएगा ही के साथ में, ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM। फिर यहाँ पर हम देखें, ही यूजुअली मी एट डक, तो यूजुअली प्रेजेंट टेंस आएगा, ही यूजुअली विजिट्स मी, तो विजिट की जगह क्या है, विजिट्स आ जाएगा क्योंकि ही आ रहा है, ही के लिए एस लग जाएगा, विजिट्स मी एट डक। फिर है नीना ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज डांस ऑन द स्टेज, तो नीना है तो इसलिए डांस आएगा, डांस ही जाएगा, डांस ही जाएगा क्योंकि नीना है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। नेक्स्ट हम देखें, सी एट कार्ड एवरी आफ्टरनून, सो सी प्लीज, प्लीज आएगा, प्ले नहीं आएगा, एस लगेगा, सी प्लीज एट कार्ड एवरी आफ्टरनून। फिर एप्पल्स राइप इन ऑटोमन, तो यहां पर हम देखें एप्पल्स है इसलिए गेट आएगा, एप्पल्स गेट राइप इन ऑटोमन। और यहां पर हम देखें दी लास्ट बस नॉर्मली, नॉर्मली आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल आएगा, दी लास्ट बस नॉर्मली लीव एट मिडनाइट, तो लास्ट बस है, सिंगुलर है लास्ट बस, इसलिए आएगा लीव्स एट मिडनाइट। तो इस तरीके से हमने क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो प्रैक्टिस है वो हमने की, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए कि हम वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करें, वही इम्प्रूवमेंट हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।